अक्सर इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जंबल्ड अप होती है, इतने इश्यूज होते हैं, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसान को समझ नहीं आता करे तो क्या करे। कभी ग्रेड्स के इश्यूज, कभी रिलेशनशिप इश्यूज, कभी करियर के इश्यूज, कभी फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारी थॉट्स इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारे टीनेजर सुसाइडल थॉट्स या फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ना कोई गाइड करने वाला होता है, ना कोई काउंसलिंग करने वाला होता है, तो सिचुएशन में इंसान करे तो क्या करे। इसको हम रिलेट करेंगे एक एग्जांपल के साथ। अगर आप एक नदी के पास बैठे हो और पानी बहुत ज़्यादा रफ बह रहा हो, तो उसकी मेन वजह होती है उसके सरफेस के अंदर बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, छोटे पत्थर भी हैं, बड़े पत्थर भी हैं। इसी तरह हमारी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उन पर काम करना स्टार्ट करें, उनको डिस्कस करें, अपने मेंटर से डिस्कस करें, काउंसलर से डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, तो डेफिनेटली हमें सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। इसी तरह कुछ बड़े पत्थर होते हैं उस नदी के अंदर, जिनको हटाने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। इसी तरह हमारी लाइफ के अंदर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हटाने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। बट एट दी एंड समहाउ वन डे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और हमारी लाइफ उसी नदी की तरह स्मूथ हो जाती है। सो आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, बिकॉज इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन।